हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्ज्वल इजी इंग्लिश के क्लास 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले लेते हैं पिछले लेसन का एक क्विक रीकैप। पिछले क्लास में हमने हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं यह सीखा, जैसे कि नंबर 1, एक शब्द एक प्रेपोजिशन। हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में अगर एक शब्द और एक प्रेपोजिशन आता है तो हमें प्रेपोजिशन को पहले बोलना है। नंबर 2, दो शब्द एक प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में दो शब्द और एक प्रेपोजिशन होते हैं तो हमें बिना प्रेपोजिशन वाले शब्द को पहले बोलना है, बाद में प्रेपोजिशन और बचा हुआ शब्द बोलना है। नंबर 3, दो शब्द और दो प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में दो शब्द होते हैं और दोनों के साथ भी प्रेपोजिशन होता है तो हमें जैसे शब्द होते हैं वैसे ही बोलने हैं। नंबर 4, तीन शब्द दो प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में तीन शब्द होते हैं और दो के साथ ही प्रेपोजिशन होता है तो हमें बिना प्रेपोजिशन वाले शब्द को पहले बोलना है, बाद में प्रेपोजिशंस और बचे हुए शब्द बोलने हैं। नंबर 5, समय। अंग्रेजी में समय दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एक समय, अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में कोई भी एक समय आता है तो उस समय को ऑब्जेक्ट के बाद बोलना है। दो समय, अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में दोनों भी समय आते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बोलकर निश्चित वाला समय बोलना है, बाद में अनिश्चित वाला समय बोलना है। इस क्लास में हम वर्ब और वर्ड के बीच में क्या अंतर है यह जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर जी, वर्ब एंड वर्ड। नंबर 1, वर्ब। हिंदी वाक्य में पहचान से पहले आने वाले एक या दो शब्द उस वाक्य के वर्ब होते हैं। हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ना आता है उन्हें वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों को बोलने से पहले टू लगाते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द क्रियाएं यानी के एक्शन दर्शाते हैं उन शब्दों को भी वर्ब कहते हैं, जैसे कि टू वर्क मीन्स काम करना, टू हेल्प मीन्स मदद करना, टू एड्रेस मीन्स भाषण करना। इन तीनों शब्दों के शुरू में अंग्रेजी में बोलते समय टू और हिंदी में बोलते समय अंत में ना आया है, इसलिए इन्हें वर्ब कहते हैं। नंबर 2, वर्ड। हिंदी में जिन शब्दों का मतलब ना के बिना ही पूरा होता है यानी के उन शब्दों के अंत में ना नहीं होता, ऐसे शब्दों को वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों के शुरू में टू नहीं लगता उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द क्रियाएं यानी के एक्शन नहीं दर्शाते उन शब्दों को वर्ड कहते हैं, जैसे कि वर्क मीन्स काम, हेल्प मीन्स मदद, एड्रेस मीन्स पता। इन तीनों शब्दों के शुरू में ना ही टू जुड़ा है और ना ही उनके अंत में ना आया है, इसलिए इन्हें वर्ड कहते हैं। इस क्लास में इतना ही। हमारे क्लास की पिछली वीडियोस देखने के लिए अभी नीचे वाली प्लेलिस्ट देखिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।